प्रिज्म हैज गॉट अ पिक्यूलियर शेप. ये हमने एक शेप बनाई ऐसी और इसमें पूरा ग्लास भर दिया. तो दिस हैज गॉट दिस वन प्लेन, दिस टू प्लेन्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, इधर भी प्लेन है. सो दैट इज ए प्रिज्म. इधर से हमने बल्ब जलाया, उससे लाइट रेज ऐसी आती है और इधर से निकल जाती है. Now these two planes where the light is incident and the light is going out are known as refracting surfaces. There are only two interfaces, this interface and this interface, where refraction takes place. So we call them refracting surfaces. This and this surface, they do not participate in refraction. ठीक है. So there are only two surfaces which participate in refraction. अब इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं, दीज टू सर्फेसेज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज वी टेक लाइक दिस सो दैट वी कैन मेक ए डायग्राम ऑफ द रे. सो दीज आर द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज. ओके, सर्फेस वन, सर्फेस टू, एंड हियर इज द मीडियम. दिस मीडियम हैज गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. Now, a ray of light is incident at surface number 1. This is PQ, surface number 1. Here, the medium will change. This is interface. So, this will not go in its original direction. This is the original direction. Lekin, jaise hi yahan medium change hota hai, this will not go in the original direction. And this is rarer to denser. So, it will bend toward normal. So we need to make a normal here. तो यहां पर हम एक normal बनाते हैं on this surface and this is 90 degree and this angle is angle I. This is incident ray. Incident ray and this is incident angle. Okay, now when this enters the different medium, this does not go in this path and it gets refracted, bent towards normal. So this goes like this. Is direction mein chali gayi? It has bent towards normal. And now this angle, we know it is known as angle of refraction. Correct? The moment it reaches here, again there is a change of the medium. फिर से mu 1 से mu 2 में आई थी, यहां से फिर mu 1 में गई. So whenever there is a change of medium, there will be refraction. यहां पर फिर refraction होगा. इस refraction के लिए एक फिर हमने normal बनाया. जी, this was normal 1 and this is normal 2. अब ये इसका पाथ था ओरिजिनल. यहां पर जाकर ये किस तरफ मुड़ेगी बताइए, विल इट बेंड अप और डाउन? द रूल इज इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज डेंसर टू रेयरर. सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड व्हेन वी से अवे, दिस इज नॉर्मल, तो अवे के लिए किधर जाना होगा, डाउन या अप? डाउन. गुड. सो यहां से this is normal and two and this has to move away. तो ये यहां से मुड़ जाती है like this and it goes like this. So this is P, this point is Q, this point is R, this point is S. P, Q, R, S is the path of light ray. N1 and N2 are two normals. ठीक है. नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल थिंग व्हिच हैज हैपेंड. दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन व्हेन इट वाज एंटरिंग द प्रिज्म एंड दिस इज द डायरेक्शन व्हेन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म. सो दिस इज आउटकमिंग रे. दीज टू आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस. अब देखिए स्लैब में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इट इज स्लाइटली
देर इज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट बट द डायरेक्शन डज नॉट चेंज. यहां पर क्या हो रहा है, द डायरेक्शन हैज चेंज्ड. दिस थिंग हैपेंस इन द प्रिज्म. तो प्रिज्म बेसिकली लाइट रे को क्या करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, जो कि स्लैब नहीं कर सकता. व्हाई? द आंसर इज स्लैब हैज गॉट बोथ द सर्फेसेस पैरेलल टू ईच अदर. But this has got both the surfaces which are not parallel to each other, inclined to each other, meeting at an angle. Or this creates such a situation that light has to bend this way. यहाँ पर इसका equation क्या है? Towards normal, but the normal is here. यहाँ पर क्या है? Away from normal. लेकिन normal ही तो बदल गया. नॉर्मल चेंज हो गया. सो अवे फ्रॉम नॉर्मल इज फर्दर ऑन द सेम साइड. सो दिस इज हाउ इट बेंड्स. तो ये प्रिज्म की स्पेशलिटी है. फिर से याद रखिए, व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ द प्रिज्म? इट डेविएट्स द रे फ्रॉम इट्स पाथ. दिस इज द डिवाइस विच डेविएट्स द रे. अच्छा, डेविएट दैट इज रे में डेविएशन हुआ. अब डेविएशन को स्पेसिफाई करते, कहां है डेविएशन? तो आंसर है कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये आउटगोइंग रे की डायरेक्शन है. फाइनली व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म, तो डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ? दिस दिस. सो दिस एंगल दिस वन दिस वन दिस इज चेंज इन डायरेक्शन. समझ आया? सबसे पहली रे ली हमने और सबसे लास्ट वाली ली, क्योंकि ये प्रिज्म में एंटर कर रही है और ये प्रिज्म से आउट जा रही है. सो दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. दिस वी विल नॉट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां है? तो याद रखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस के एक पॉइंट पर होता है. वन, जैसे एंगल बनाते हैं एक पॉइंट पर. डेविएशन क्या है? चेंजिंग ऑफ द पाथ. अगर इसके अंदर ये रे ऐसे जा रही है तो ये जो है दिस एंगल, ये ओरिजिनल पाथ, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल. देख रहे हैं? ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. यहां पर ये इधर जा रही थी और बाद में इधर आ गई, तो ये क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस प्रोसेस. लेकिन बट इफ यू आस्क यू व्हाट इज द डेविएशन इफेक्ट ऑफ द टोटल प्रिज्म, तब हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों डेविएशन को कंबाइन करना. ये थोड़ा सा इस सरफेस ने मोड़ा, उसके बाद जाके थोड़ा सा इस सरफेस में भी मोड़ा, टोटल कितना मुड़ गया? तो टोटल के लिए दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज द टोटल डेविएशन एंड वी विल कॉल इट डेल्टा. दिस इज डेल्टा. सो डेल्टा इज इंडिकेशन ऑफ डेविएशन. बट वेयर आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अच्छा, नाउ अब थोड़ा सा और इधर एंगल्स को देखिए. इफ वी रिवर्स द रे, यानी अगर हम रे को यहां से भेजेंगे इस रास्ते से, तो इसका रास्ता क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी रूल, दिस विल गो लाइक दिस, दिस एंड दिस. उस समय ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल विल बी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, वी विल कॉल इट आई. और ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज आर. तो आप बोलेंगे ऐसा उल्टा क्यों किया? इसी को ही हम आई टू आर टू क्यों नहीं लिख लेते? आंसर इज आई वॉन्ट टू राइट ऑल द आई इन मीडियम नंबर वन एंड ऑल द आर इन मीडियम नंबर टू. ठीक है, इसलिए एक बार हम रे को इधर से टेस्ट करते हैं, एक बार इधर से टेस्ट करते हैं. नाउ आर आर आई आई, देयर इज अ डुप्लीकेसी, आई विल राइट इट आई वन आई टू आर वन आर टू.
Okay, so this is the description of angle. See again, I1, R1, R2, I2, and this total deviation is delta. कौन सा एंगल कौन सा है, क्लियर समझ में आया? प्रिज्म में एंटर करने के पहले रे और प्रिज्म से आउटगोइंग रे, दोनों के बीच का एंगल डेल्टा. अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस इन ए प्रिज्म. दिस एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. Angle of prism. For the sake of calculation, we give name to this point also. This is O. Okay. What is the path of the ray? P, Q, R, S. Where are the normals? N1, O, N2, O. Okay. This is angle of prism. Now we have to do certain calculations to find out the relations between them. What are the relations we are having? See, we'll start. This is normal on this surface, and this is normal on this surface. 90, 90, 180. So what is the sum of these two? 180. Kyunki, what is the sum of all the four? 360. So this is 90, this is 90. So these two are, sum is 180. So we can write it, angle O plus angle A is equal to 180 degree. Right. Now, how much is this angle? See, this is I1. What is the opposite angle? Ye line yahan gayi, ye line yahan gayi. How much is this total angle? No. This one. Ye line yahan gayi, ye line yahan gayi. If this is I1, this is also I1. Out of this I1, make it minus. So how much is this angle? I1 minus R1. I1 minus R1. How much will be this angle? Similarly, this will be I2 kahan hai? ये और ये, ये पूरा I2 है, उसमें से R2 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना बचेगा, ये एंगल I2 माइनस R2. कहां से कहां तक? दिस वन नहीं, राइट? I1 माइनस R1 एंड दिस इज I2 माइनस R2, राइट? अब A के कुछ कॉम्बिनेशंस और देखिए. हाउ मच इज दिस एंगल? दिस इज नॉर्मल, दिस इज R1, ये पूरा 90 है, ये R1 है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस R1. हाउ मच इज दिस एंगल? 90 माइनस R2. सो हाउ मच इज दिस A? तो A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2. दिस इज इक्वल टू ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. सो हाउ मच इट इज? 180. ये आपको समझ में आ रहा है? फिर से, ये छोटा एंगल कितना? R1. ये वाला एंगल कितना? I1 माइनस R1. ये वाला एंगल कितना यहां से यहां तक? 90 माइनस R1. अब इससे बताइए, वेरी गुड, इससे हमको क्या पता लगा? 90, 90, 180 कैंसल एंड A इज इक्वल टू हाउ मच? R1 प्लस R2. दिस इज वन रिलेशन. ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर से इधर देखिए.
this ray and this ray. This. How much is the angle between them? Delta. Angle of deviation. ये डेल्टा किसके बराबर है? इंटरनल टू एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल. फिर से मैं इसको यहां क्लियर बना देता हूं आपको. Q, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये कौन सी रे है जो कि ये इनकमिंग रे है, ये पॉइंट Q है. ये देखिए, ये वाली रे ये रे है और ये बाहर आने वाली रे ये रे है. ये इनकमिंग रे आउटगोइंग रे दोनों के बीच का एंगल कितना? डेल्टा. दिस वी हैव रिटन वेरी क्लियरली डेल्टा. अगर ये एंगल डेल्टा है देन दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स. दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री. तो इसको हमने लिखा डेल्टा इज इक्वल टू ये एंगल कितना है I1 माइनस R1 और ये एंगल कितना है I2 माइनस R2. सो डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2. I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. दिस इज डेल्टा इक्वल टू राइट. ओके, इसको नोट करिए. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन I एंड R एंड दैट रिलेशन वी ऑल नो. Mu is equal to okay. For thin prism, these angles are very small, so I and R, sin I and sin R, can be taken equal to I upon R. Right? अब अगर ये ऐसा है तो I किसके बराबर होगा? Therefore, I is equal to mu into R. I is equal to mu into R. ये हो गया. अच्छा, अब अगर ऐसा है तो I1 किसके बराबर होगा? इसको हम ले लेते हैं equation 2. Therefore, equation 2 is delta is equal to I1. I1 I will write mu R1. इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं. This is small r, angle r. Mu into R1 ये आ गया और ये कितना होगा? Mu into R2 प्लस म्यू इंटू आर टू माइनस आर वन प्लस आर टू. एस नाउ इन दिस वी टेक कॉमन म्यू एंड दिस इज आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन प्लस आर टू. हाँ जी, इनको कैंसिल कर दें. Yes, common ले सकते, cancel नहीं कर सकते, because this is multiplied mu times. तो ये कितना हुआ? Mu minus 1, R1 plus R2. This is equal to delta. अब R1 plus R2 किसके बराबर होता है? A. So this we can write as delta is equal to mu minus 1 into A. ये रिलेशन किस किस के बीच में आया? डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. ये डेरिवेशन सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, दिस ऑल्सो टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिज्म एंड द क्वांटिटीज रिलेटेड टू प्रिज्म. प्रिज्म जिस मटेरियल का बना होगा
whether it is glass, water, plastic, nylon, anything, उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी डेविएशन. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना वो उसको ज्यादा मोड़ेगा. ये समझ आया? दूसरा ए, दिस इज ऑल्सो इन्यूमरेटर. इन्यूमरेटर दिस शोज मोर इज द एंगल ए, मोर विल बी डेविएशन. ठीक है, तो डेविएशन किस किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये दोनों पर डिपेंड करता है. राइट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये प्रिज्म की ज्योमेट्री है. इन दोनों पे डेविएशन डिपेंड करता है. ओके, नाउ वी गो फॉर अनदर इक्वेशन. सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंस. ये हमने एक फर्स्ट रिलेशन निकाला था, ये सेकेंड रिलेशन ये आ गया. अच्छा, अब आपको जो नंबर पसंद है आप दे लीजिए, इसलिए मैंने उसको स्मॉल नंबर रखा है. ठीक है, ओके, नाउ वी गो फॉर अनदर रिलेशन. न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ये रिलेशन भी हमको काम में आता है. व्हाट इज दिस? साफ लिखते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू एंड आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, सो माइनस ए. यस, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिलेशन. डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, यू गिव इट नंबर टू. ठीक है, उससे आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी. वी विल गिव इट नंबर थ्री. अब ठीक है, सो मुझे याद है देर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ द प्रिज्म. सो यू विल रिमेंबर दिस, वन इज ओनली ए, अदर इज डेल्टा आई एंड ए, एंड इन थर्ड वी हैव द रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आ गया? ये तीन इक्वेशन होते हैं प्रिज्म के, एंड देयर मे बी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑल दीज थ्री. नाउ वी कम टू अनदर सिचुएशन. अब ये हमको प्रिज्म के बारे में समझ आ गया. क्या समझ में आया? दैट व्हेनेवर देयर आर टू सरफेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर, द इंसिडेंट रे विल ऑलवेज डेविएट. एक छोटी सी चीज और है, डेविएट किधर होती है, इन विच डायरेक्शन. द आंसर इज दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज बेस ऑफ प्रिज्म. बेस, सो द रे ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स बेस. अगर यहां पर हम यहां से एक रे लाएंगे, ये तो बताइए ये लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी? सोचो, ये वाली रे. तो जब ये रे इधर आएगी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो किस फेस में से निकलेगी? किस फेस में एंटर कर रही है? एसी. निकलेगी किस फेस में से? बीसी. तो रिफ्रैक्शन वाले फेस दो कौन से हुए? एसी एंड बीसी. अगर ये दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं तो बेस कहां है? ए बी इज द फेस. एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा बना? सी. सी इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड ए बी विल बी बेस. अब बताइए ये जो इधर आ रही है, व्हाट इज द रूट, किधर मुड़ती है? टुवर्ड्स बेस. तो ये किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स बेस, टुवर्ड्स बी. तो ये यहां से ऐसे आएगी और यहां से थोड़ी सी ऐसे मुड़ेगी, फिर यहां से ऐसे मुड़ेगी. दिस 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 किस तरफ मुड़े? बेस की तरफ. तो ये रूल याद रखिए, ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स बेस. अच्छा, अब हम एक ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यहां पर हमने उसका फॉर्मूला बनाया. इस एंगल ऑफ डेविएशन से लाइट मुड़ती है और हमने देखा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूला में आता है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूला में नहीं आता है. तो डेविएशन
इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? इट डिपेंड्स। और ये क्या बोलता है? डज नॉट डिपेंड। तो उसकी हमने स्टडी की, तो हमने जब उसकी स्टडी की तो हमने देखा कि वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। ये यहां पर म्यू में मर्ज हो गया है इसलिए हमको दिखता नहीं। सो डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो एंड वी हैव ट्राइड इट, लेकिन उसके रिजल्ट बड़े अजीब अजीब आते हैं। हम क्या देखते हैं कि आई और डेविएशन का एंगल, इनका रेशियो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जब भी रिफ्रैक्शन होगा, आई अपॉन आर, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, डेविएशन में ऐसा नहीं होता। तो फिर डेविएशन में क्या होता है? तो आंसर है, डेविएशन में जब जब आई की वैल्यू बदलती है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, और आई अपॉन डेल्टा कांस्टेंट नहीं होता है। उसमें क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। आप आई को बढ़ाइए आर बढ़ेगा, आई को कम करिए आर कम होगा। आई और डेल्टा के रिलेशन में आई को बढ़ाइए डेल्टा कम हो गया, आई को घटाइए तो भी डेल्टा कम हो गया। तो उस रिलेशन को देयर इज ए स्पेशल रिलेशन एंड नाउ वी विल स्टडी दैट रिलेशन। उसके बिहेवियर को हम प्रैक्टिकल में स्टडी करते हैं और ये प्रैक्टिकल आप लोग प्रिज्म का करते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट प्रिज्म? ये एक पॉइंट पर हमने बहुत सारी डायरेक्शन से इंसिडेंट रेज भेजी। दिस इज डायरेक्शन नंबर वन एंड इट गोज लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर इट कम्स आउट। सो आई हैव मेड इट अ लिटिल लार्जर वन। ये पी क्यू आर एस इस तरह से गई। नाउ there is this angle I, this is I one and this is, ये देखिए ये इसकी original direction है और ये outgoing की direction है। तो ये angle कितना हुआ? Delta one। This is how we measure delta one। यहां नापना है, ये angle नहीं चाहिए, ये angle नहीं चाहिए, original outgoing दोनों के बीच डेल्टा वन। उसके बाद हमने यहां से एक दूसरी रे भेजी और ये एंगल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। नाउ दिस एंगल इज आई टू। व्हेन दिस आई टू वी फाइंड दैट दिस गोज लाइक दिस एंड ये यहां से ऐसे गया और यहां से फिर से निकला ऐसे आ गया। This is number two and this angle is delta two. This angle was delta one. तो delta two कैसा हो गया? Smaller than the delta one. देखा? ठीक। फिर हमने एक third ray भेजी और I को increase किया। This was increased and we increase it this way. Now this is I3। ये यहां से ऐसे गई और जाकर ये ऐसे हो गई 3 and this angle, ये जो original के साथ, this was the original direction, this is delta 3। बताइए डेल्टा 3 डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। ये ज्यादा बड़ा एंगल है डेल्टा 1, डेल्टा 2 इज स्मॉलर, डेल्टा 3 इज स्टिल स्मॉलर। लेकिन आई को हम क्या कर रहे थे?
तो जैसे जैसे आई को इंक्रीज करते हैं डेल्टा डिक्रीज हो रहा है। ओके सो अब हमने और इंक्रीज किया आई को, ये यहां से दिस, नाउ वी मेड इट दिस एज आई फोर, ये टोटल एंगल और बड़ा हो गया। अब ये रे यहां से गई ऐसे और ये ऐसे जाकर यहां आ गई, दिस इज फोर, और ये वाला एंगल डेल्टा फोर। अब डेल्टा एंगल बढ़ा कि कम हुआ, इंक्रीज। पहले 1, 2, 3 में क्या शो कर रहा था, अब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो पहले ये रे ऐसे ऊपर जा रही थी, यहां तक गई, फिर नीचे जानी शुरू हुई, इससे कम ये नहीं मुड़ती, यहां से ऐसे आई फिर यहां से ऐसे चली गई। जबकि इसको हम लगातार क्या कर रहे हैं, नीचे लाते जा रहे हैं, और लास्ट में हमने एक रे और दी, सपोज दिस इज, एंड दिस एंगल इज I5, और बढ़ गया। अब हमने देखा I5 के रिस्पॉन्स में यहां से ये रे निकली 5, तो यहां पर क्या देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये यहां से इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज, आई इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। यहां पर देखिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, सो इट हैज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज्ड। After that 2 to 3 it has decreased. After that 3 to 4 it has increased. And after that 4 to 5 it has further increased. Yes, increase, increase. ये behavior होता है. So this is a very peculiar behavior of the prism. अब इसमें हम बिहेवियर किसका देख रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का। सो व्हाट वी फाइंड, एंगल ऑफ डेविएशन दिस 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 कहीं पर भी हमको मिलता है, पर यहां नहीं मिलता, यानी डेविएशन जरूर होता है, इट इज कंपलसरी, मिनिमम इतना तो होता ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो देयर इज ए वैल्यू ऑफ डेविएशन which is known as minimum deviation, which is known as minimum deviation, उतना deviation हर prism करता है, right? तो ये जो सबसे छोटी value है, smallest value, this is known as delta minimum, delta n, right? तो ये situation क्या बनी, ये situation बनी, if we increase angle of incident gradually, then angle of deviation first decrease and then after a certain minimum value it increase. This is the behavior of delta. That minimum value of deviation is known as minimum angle of deviation, and that is specialty of a prism, that its minimum angle of deviation, उससे कम डेविएशन वो नहीं करेगा। ओके सो नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ओके नोट करिए, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली द एंगल ऑफ डेविएशन initially decrease and after obtaining a minimum value it starts increasing again,
ये हमने देखा एट दैट सिचुएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड इट्स नोटेशन इज डेल्टा एम दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ओके नाउ अ वेरी स्पेशल थिंग हैपेंस इन दैट सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन? जब मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि यहां पर है ये दिस दिस देन दिस एंड देन दिस. इसमें वी हैव ऑब्जर्व वन वेरी स्पेशल थिंग एंड दैट थिंग इज कि अगर हम यहां पर नॉर्मल बनाते हैं ये these two angles are equal, these two angles are equal again, यानी दोनों आई कैसे हो जाते हैं इक्वल और दोनों आर भी कैसे हैं इक्वल. मतलब इधर वाली सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया सेम उतना ही एंगल इस सरफेस के साथ ये बनाती. ऐसे ऊपर और नीचे नहीं होता. ये दोनों तरफ कैसा रहेगा सेम. और ये सेम कब होता है? व्हेन देयर इज डेविएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एट मिनिमम एंगल. तो उस चीज को हम नोट कर लेते हैं. एट दिस स्टेट इट इज ऑब्जर्व एंगल ऑफ आई वन इज इक्वल टू आई टू और दोनों को हम क्या मान लेंगे I एंड R1 वन इज इक्वल टू आर टू और इन दोनों को क्या मान लेंगे R. ये सिचुएशन आ जाती है. सो इट इज वेरी मच बैलेंस्ड. ये स्ट्रेट स्ट्रेट दोनों तरफ इक्वल ये सिचुएशन आएगी. ठीक ये कब आएगी? जब डेविएशन कितना होगा? व्हेन दिस डेविएशन इज मिनिमम. ठीक है तभी ये सिचुएशन आती है. हियर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अच्छा जब ये सिचुएशन आएगी तो हमारे इक्वेशंस में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे. किस तरह के चेंजेस आएंगे देखिए. अगर R1 इज इक्वल टू R2 है यहां पर इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R तो A किसके बराबर हो जाएगा? A इज इक्वल टू R प्लस R टू R. सो R इज इक्वल टू A बाई टू देन बाय इक्वेशन वन R is equal to A by 2. ये आ गया R is equal to A by 2. ये समझ आ गया? अगर R is equal to A by 2 हो गया तो फिर से I1 और I2 ये किसके बराबर हो जाएंगे? यहां पर by equation 2 i plus i 2i इस माइनस ए को इधर ले आइए क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू 2i. तो 1i किसके बराबर हुआ? डेल्टा प्लस ए अपॉन 2. ठीक है लेकिन ये किस सिचुएशन में होता है? जब डेल्टा कैसा होता है? मिनिमम है ना. इसलिए ये वाला जो डेल्टा है ये इसकी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? मिनिमम. दिस समझ में आया? सो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? आई. और ये किसकी वैल्यू निकाली? आर. क्यों? क्योंकि हम साइन आई अपॉन साइन आर म्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं. देन म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड दिस इज इक्वल टू साइन
ऑफ डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय साइन आई अपॉन साइन आर. दिस इज अवर इक्वेशन. आई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आर की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो डेल्टा एम हमको कैसे पता लगेगा? सॉरी, आई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डेल्टा की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं. दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. बट हम ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये इसके ऊपर नहीं गया होगा? यहां पे हो सकता है इसके करेस्पॉन्डिंग जो आई होता है वो आई हमने बनाया ही नहीं हो. इसके बीच में यहां पे कोई ऐसा आई होगा जिसके लिए डेल्टा और भी छोटा होगा. हो सकता है, नहीं भी हो सकता. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट डेल्टा. उस डेल्टा को एग्जैक्ट डेल्टा मिनिमम निकालने का देर इज ए मैथड एंड दैट मैथड यू आर सपोज टू अप्लाई इन योर एक्सपेरिमेंट्स. वो ये होता है, वी मेक ए ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा. वो जो ग्राफ बनेगा, देखिए वो ग्राफ ऐसा बनेगा. इधर हम रखते हैं आई की वैल्यू आई और इधर रखते हैं डेल्टा की वैल्यू. शुरू में जब आई ज्यादा बड़ा होता है, शुरू में आई यहां से हमने छोटा लिया. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 25 डिग्री एंड वी टेक इट अप टू 50 डिग्री. ये 25 से स्टार्ट किया और लास्ट 50 तक लिया. तो शुरू में जब हमने 25 लिया था तो डेल्टा खूब बड़ा था. फिर हमने 30 लिया, 35 लिया, 40 लिया, 45 लिया और 50 लिया. 25, 30, 40, 50. तो डेल्टा पहले तो कम 25 पे ज्यादा था, फिर 30 में उससे कम हुआ, 35 में उससे कम हुआ, 40 में करीब करीब बराबर था, 45 में बढ़ गया और 40, 50 में और ज्यादा बढ़ गया. ये ऐसे ये हमारे पॉइंट्स है. अब आप इन पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो वन टू अदर, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ऐसे नहीं मिलाते. बिकॉज देर इज नो शार्प चेंज, देर इज ऑलवेज ए ग्रेजुअल चेंज. ये जो चेंज है दैट इज ए स्मूथ चेंज, ग्रेजुअल चेंज. सो वी मेक द चेंज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मूथ कर्व. तो यहां पर हमको ना एक कर्व बनाना पड़ता है. वो कर्व जब हम बनाते हैं सो दैट कर्व मे नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स. हो सकता है कोई पॉइंट की रीडिंग हमारी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज्यादा. तो अगर हम ऐसे ऐसे मिला देंगे देन दिस विल बी ए, ये ऐसे इस तरह का ग्राफ बनेगा. That we are not supposed to make. We are supposed to make a very smooth graph, curve. तो वो smooth curve हम कैसे बनाते हैं? We make a freehand drawing. देखिए इस तरह से. Whatever is possible कि ज्यादा से ज्यादा point उसमें आ जाए, पर अगर नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं. इस तरह से बना दिया हमने. ये point थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये पॉइंट थोड़ा सा बाहर रह गया, डजंट मैटर. कोई थोड़ा सा बाहर है, कोई थोड़ा सा अंदर है, लेकिन ये कर्व कैसा बना? स्मूथ. ये कर्व हमको बनाना है. और जब आप ये कर्व बनाएंगे तो देखिए इसका जो बॉटम है, ये बॉटम, ये वाला, ये बॉटम आपकी जो रीडिंग है इससे भी नीचे आता है. और ये हमको ये वाला क्या देता है? डेल्टा मिनिमम. नहीं तो हम क्या सोचते, ये मिनिमम वैल्यू है या ये मिनिमम वैल्यू है, ये दोनों. जबकि मिनिमम वैल्यू इससे भी थोड़ी नीचे आएगी, उसका हमको पता ही नहीं लगा. क्यों? क्योंकि हमने इतना आई तो बनाया ही नहीं था कभी भी. ये हमने कितना बनाया था? 35. उसके बाद कितना बनाया? 40. 37 बनाया ही नहीं, नहीं तो मिनिमम आता. तो ये कैसे पकड़ में आएगा? We will make a smooth graph so that tip of the graph will be below this.
राइट ऐसा बना के हम इसको करेंगे, इसकी रीडिंग देखेंगे, दिस रीडिंग इज डेल्टा एम, और ये डेल्टा एम की वैल्यू हम वहां पर रखते हैं, एंड वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन वी गेट द एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही आपको अपने एक्सपेरिमेंट में करना है। समझ में आ गया ग्राफ क्यों बनाना है? राइट तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में एक ही प्रिज्म की एक सिचुएशन में इतना आप नहीं कर पाएंगे, दिस विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं, एक रे के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, सो दैट विद डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट की लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सबकी बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद पिन देख के आप एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन निकालते जाते हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल। ओके तो ये उसका थ्योरी पार्ट है। नाउ इन दिस वी गेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, किसका आंसर? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब एक चीज देखिए, हमने एक प्रिज्म बनाया जिसमें एक वॉल ग्लास की है, ये वॉल भी ग्लास की है, और उसके बीच में पानी भर दिया, सब वॉल ग्लास की बनाई, फ्लेम प्लेन ग्लास की, और उसके अंदर पानी भर दिया। नाउ वी सी, वी डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। नाउ दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इट अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और इज इट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर? सो अवर टेस्ट इज विच इज द वन विच हैज गॉट टू सरफेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर, is it water or is it glass? This is glass wall. What about these two surfaces parallel to each other? तो ये prism का action नहीं करेगा। ये वाला glass ऐसा है, ऐसे। ये भी कैसे है? Parallel। ये भी prism का action नहीं करेगा। इसके बीच जो पानी भरा है, उसके दोनों plane कैसे हैं? Inclined to each other। So this is a prism of water, not the prism of glass. समझ आया? तो जो हमको म्यू की वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी? वाटर की, नॉट ऑफ द ग्लास। नाउ वी टेक आउट द वाटर एंड पुट आउट ग्लिसरीन। अब म्यू की वैल्यू किसकी मिलेगी? ग्लिसरीन की। उसको निकाला, वी पुट द केरोसिन, नाउ वी गेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। दैट इज हाउ विद हेल्प ऑफ ए एम्प्टी प्रिज्म we find out refractive index of different liquids, transparent liquids. समझ आ गया? Okay. So this is all about prism and deviation done by the prism. Right? So we close it here, and the next class we will study different colors and how different colors are formed. Right? With help of prism and that is dispersion. So that will be our next topic.